थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। बहुत स्पेशल होता है क्योंकि एक महीने के रोज़ों के बाद आपके लिए वो दिन आता है जिस दिन आप शीर से अपना रोज़ा खोलते हैं। सो बहुत एक्साइटेड होते हैं इस दिन के लिए। इस दिन आप सब लोगों से जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी के लिए, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उनको क्लेंस करने की कोशिश करते हैं, इसको जितना क्लीन करें और सबको अच्छे से गले लगाएँ, वेलकम करें। तो आप देख ही सकते हैं कि इतना सारा खाना बन रहा है अभी टू वेलकम ऑल माई फ्रेंड्स एंड दे लव फूड बाय मी, सो आई एम मोर एक्साइटेड टू मेक इट फॉर देम। एंड ईद है तो बहुत ही स्पेशल है, ईद अपने आप में ही स्पेशल है, उसके बारे में क्या एक्सप्रेस करूँ। सो यस, वेरी वेरी एक्साइटेड। आप बताइए, आपके लिए कितना स्पेशल होता है ईद आजकल? बहुत स्पेशल होता है क्योंकि जैसे अप्पी ने बोला वैसे बहुत अच्छा फेस्टिवल लगता है और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है। मैं सिर्फ खाती हूँ, लोग खाते हैं। तो आप बताइए कि आप अभी क्या बना रही हैं? दही बड़े बना रही हूँ जी। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ लोगों को पसंद आए, मैं बना रही हूँ सबके लिए। आई रियली वांट एवरीवन टू लाइक इट, जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप भी खा के जाइएगा, आप भी बताइएगा कैसा है। शीर हर साल हर ईद पे मेमोरी रहती है बट अभी याद नहीं है। जी ये मैं दही बड़े तल रही हूँ, दही बड़े सॉरी बड़े तल रही हूँ दही में डालने के लिए और इन्हें दही बड़े बनाने के लिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ईद मुबारक। अभी अलग से वो करनी है ना दीदी? हाँ, अलग से दाल पीसनी है। एक मिनट, ये हो गया मेरे ध्यान से। दीदी डायरेक्ट पानी में डालो इनको। हाँ, इसमें पानी डाल दो, पानी डाल दो। दीदी डाल दे इसमें। हाँ, अरे रुको होगा। दीदी दाल का और देख लो थोड़ा। ये हमारी दीदी जो बहुत यम्मी यम्मी खाना बना के हमें खिलाती हैं यहाँ पे। हम हो
सर्वगुण संपन्न। आपने आपने मेरे यहाँ का खाना ही नहीं खाया। नहीं पिछली बार तो पिछली बार भी खाया था ना, तो खाया था ना हमने बनवाया था। इनका इनका एक ओपनिंग करो आपका फोन नहीं आता ना तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं इसलिए बोला मुझे पता था। सारा दिखाना ऐसे एक बार दिखाना बस ना। आ रही शाइन हल्की मैम फेस पे। मैं बता देता हूँ मैम एक बार देखो सबसे पहले तो मुझे पर्सनली खाना बना के सबको खिलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो यस आज आप आ गए तो आपने देखी है। तो दाल का क्या कर रहे दीदी? हाँ कर लेते हैं। वो क्या दही निकाल दिया? हाँ नहीं तड़का तो बाद में एक बस एक ओपनिंग करो दे सकते हैं। ठीक है इसमें नमक भी डाल शॉर्ट पत्ती की दही बहुत कम है। दीदी अभी रुक जाओ पहले मैं उसमें दही बड़े और डाल दूँ। दही दही है इसमें डाला ना दीदी आपने? होने दो हो गया होने दो कर दीजिए। थैंक यू।
चलो ठीक है।